हेलो गाइस, तो आज हम बात करते हैं एग्जिटर क्वार्टन लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसकी अभी करंटली प्राइस चली 25.50 रुपये। स्टॉक की अगर हम आज की बात करते हैं यानी 7 अगस्त की, तो 3.28% के आसपास काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। साथ में अगर हम बता दें तो ये क्वार्टन का जो है कंपनी काम करती है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वार्टन एंड कपास से रिलेटिव जो स्टॉक है, तो यानी खेतों से कपास, इसके बाद क्वार्टन, ये पूरा जो है यरन पूरा जो है काम करती है कंपनी। तो इस टाइप का इसका बिजनेस मॉडल है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा NSE BSE दोनों कंपनी लिस्टेड है। बहुत ही पहने स्टॉक है, स्मॉल कैप कंपनी है, 666 करोड़ का स्टॉक का मार्केट कैप है। स्टॉक की बानवी खाई की बात करें 35.40 रुपये, बानवी किलो की बात करते हैं तो 19.20 रुपये। स्टॉक की पीई की बात करते हैं 32.8 निकल के आती है। बुक वैल्यू 2.48 रुपये। डिविडेंड की बात करें 0.30% कंपनी डिविडेंड देती है। आर ओ सी की बात करें 37.9 निकल के आती है। बुक वैल्यू 1 रुपये। एंड लास्ट ईयर की चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो स्टॉक में गिरावट हुई थी एंड स्टॉक यहाँ पे 20 रुपये तक आया था, जैसे कि आप देख सकते हो। एक टाइम था स्टॉक जब 20 रुपये से भी कम पर ट्रेड कर रहा था। एंड अगर हम 3 ईयर्स का चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखते हैं तो स्टॉक में अचानक से जो है गिरावट हुई थी। उसी टाइम मैंने बोला था कि स्टॉक आप जो है बाई कर सकते हो, क्यों? क्योंकि इस लेवल से स्टॉक में और गिरावट नहीं हो सकती है। तो वहीं से स्टॉक जो है यहाँ से कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। मैंने यहाँ पर बोला था इसलिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन रहा था, इसलिए मैंने बोला था ये जो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में सपोर्ट यहाँ तक कैरी ऑन कर गया था एंड स्टॉक में फिर से गिरावट हुई, तो मैंने सोचा मैं खुद बाई करूँ, पर मेरे हिसाब से मैं बाई नहीं कर पाया। अभी भी मौका है बाई करने का लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, लेकिन ज़्यादा पैसा स्टॉक में नहीं डालना है। देन अगर हम बात करते हैं कंपनी एक्सपेक्टेड इज गुड क्वार्टर, मतलब आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा कंपनी जो है रिटर्न निकाल के दे सकती है। पिछले 5 साल में 113% का काफ़ी अच्छा CAGR रिटर्न भी निकाल के दिया स्टॉक ने। लास्ट 3 ईयर्स में 10% अपनी होल्डिंग भी कम की है। एंड अगर हम बात करते हैं तो 8 नंबर पर कंपनी देखने को मिल जाती है। साथ में अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की, तो सेल्स कंपनी की आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़े कम हुए हैं। OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इंक्रीज हुआ है। एंड इसका 9 अगस्त को अभी रिजल्ट आने वाला है, आप देख सकते हो। तो आगे देखते हैं क्या, जैसे ही रिजल्ट आया उस तरह से स्टॉक परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की ईयर बाय ईयर बेसिस में, तो सेल्स कंपनी की इंक्रीज हुआ है, OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है। देन अगर हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR रिटर्न, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऑल बिजनेस सब ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व कंपनी के पास ठीक ठाक है, कर्जा भी कंपनी का बढ़ गया है एंड टोटल एसेट कंपनी के इंक्रीज हुए हैं। देन अगर हम बात करते हैं नेट कैश फ्लो की तो माइनस में है। अगर हम बात करते हैं आगे शेयर होल्डर पैटर्न्स की, तो प्रोमोटर्स की 62.77% होल्डिंग है। FII ने एक टाइम पे इसमें जो है काफ़ी अच्छा स्टेक ले रखा था, 11.63%, 12.5% तक ले रखा था, इसके बाद कम किया। एंड अभी के टाइम पे FII के पास 0.52% ही है। BII इसमें इन्वेस्टेड नहीं है, बाकी पब्लिक इसमें 36.71% अब देख सकते हो 71% है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप स्टॉक को बाई करते हो, आप इस पर नज़र रख सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है। बाकी वीडियो खाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, अगर आप बाई करते हो तो एक बार रिसर्च एनालिसिस ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।